हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित 72 और वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आज मैं स्पेशली आप लोगों के लिए यहां पर आया हूं कि वो सारी अपडेट्स है ना, अगर मैं फ़ोन से वीडियो नॉर्मल शूट करता तो उसमें बहुत टाइम लग जाता और वो अपडेट आपको मिल नहीं पाती। ठीक है, अब आपको नॉर्मली देखिए काफ़ी चीज़ें तो पता चल चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, जो मेरे पास बार बार मैसेज में आ रहे थे, टेलीग्राम ग्रुप पर आ रहे थे, तो उनके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। और वन बाय वन सारी भर्तियों की बात करेंगे, चाहे आपकी TGT हो, ग्रुप डी हो, 5657 हो, हरियाणा पुलिस हो। ठीक है, ग्रुप डी ओके, ग्रुप सी की भर्तियाँ हैं, न्यू वैकेंसीज कौन सी आएंगी। ठीक है, और कंडक्टर की भर्ती थी जो आपकी, PGT की भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, सब के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको एक बार ये सारी ही एक ही बारे में बता दूंगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है और ना ही मैं आपका समय वेस्ट करना चाहता। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ग्रुप डी की जो अभी लिस्ट आएगी वो आएगी भाई 2600 की। ठीक है, लेकिन इसी भर्ती पर और एक रिक्वेस्ट भी है भाई, वो आप सभी से करूँगा मैं, वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा किस चीज़ के रिगार्डिंग है। जो साथी बिल्कुल नए हैं भाई, जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, उनके लिए है। और ट्राई करेंगे मंडे या ट्यूसडे को कि HSSC भी जाया जाए स्पेशली इसी लिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई हरियाणा ग्रुप डी के लिए। हरियाणा ग्रुप डी की जो पहले लिस्ट लगेगी वो लगेगी 2600 की। 2600 के बाद जो लिस्ट लगेगी वो आएगी भाई वेटिंग, लगभग 2900 के आसपास, और वो ऐड हो सकती है। ऐड कैसे हो सकती है, इन 2600 में से जो ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है, उनको भी उसमें ऐड कर देंगे, तो वो एक लिस्ट लगेगी। और उसके अलावा जो बड़ा धमाका है वो ये है कि 10,000 नई भर्ती आएंगी ग्रुप डी की, और वो अभी इसी CET बेस पर है, जो भी CET है इसी के बेस पर है, और आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी। कट ऑफ के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कट ऑफ का आपको पता है, विद फैक्ट्स मैं बात करता हूँ, ऐसे कुछ नहीं कहता। ठीक है, और बार बार मुझे साथी कह रहे थे कि सर 5657 के लिए कट ऑफ की वीडियो बना दीजिए, ये बना दीजिए, लेकिन भाई जब तक उसके बारे में कन्फर्म नहीं हो जाता ना कि किस तरह क्या पैटर्न लेने वाले हैं, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि 5657 सब कुछ री एडवर्टाइज होने वाला है और वैकेंसियाँ नई ऐड होंगी भाई। ये बात मैं आपको बता दूं, वैकेंसीज नहीं ऐड होगी। ग्रुप सी की भी लगभग वैकेंसीज है आपकी 6000 के आसपास। ठीक है, 6000 के आसपास नई वैकेंसीज है। और टोटल जब कोई भी नहीं कह रहा था, मैं आपको तब भी बोल रहा था कि 50,000 भर्तियां पूरी होंगी, 50,000 ये और 5 से 6000 ग्रुप ए और बी की, दोनों ही भर्ती आपको कंप्लीट होती हुई मिलेंगी। 50,000 वैकेंसी पहले यही बता देता हूँ भाई, कौन कौन सी है आपकी। 7500 TGT की है, ग्रुप डी की 2500 वो, ठीक है, और 20,000 के आसपास है ये आपकी 5657 JEE कॉमर्स वालों की, ये सारी जितनी भी है ना सबको मिलाकर 20,000 है। 6000 हरियाणा पुलिस की है, उसके बारे में बात करेंगे, री एडवर्टाइजमेंट होगी, कैसे क्या कुछ रहने वाला है। 10,000 ग्रुप डी की नई भर्तियां हैं और 6000 ग्रुप सी की नई वैकेंसीज है, तो सारी मिलाकर आपकी 50,000 भर्तियाँ ये कम्प्लीट होंगी। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की 2400 के आसपास वैकेंसीज HPSC की है, 805 आपकी निकल चुकी है। इसके लिए मेडिकल ऑफिसर की थी जो BMS के थ्रू, ठीक है, BMS के बेस पर थी, 805 थी। उससे पहले 400 के आसपास एक और वैकेंसी निकली और अभी और भी वैकेंसियां निकलेंगी। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में ट्राई करूंगा सारी चीज़ें बताने की आपको, बिल्कुल जितना हो सकता है शॉर्ट में बताएंगे। तो ग्रुप डी के बारे में आपको बता चुका हूँ। रिजल्ट आपका देखिए, वैसे तो रिजल्ट आपका आज आ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक सिर्फ कैटेगरी वाला मुद्दा है, ESM DSM वाला, ठीक है, ESP वाला, उसकी वजह से हो सकता है अगर लेट हुआ तो, नहीं तो आपका रिजल्ट है ना आ जाना चाहिए था आज ही, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अगर इवनिंग में आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी वजह से लेट हो सकता है, कि अगर उसको सब कुछ वो सेट करने में समय लग जाए तो, ठीक है, अगर HSSC को इसमें समय लग जाए तो। ग्रुप डी की मैं आपसे बात कर चुका, सारी मैंने आपको बता भी दी, 10,000 वैकेंसीज, कट ऑफ की वीडियो भी मैं आपकी बना दूंगा। अब आ जाइए डायरेक्ट हरियाणा पुलिस पर। पहले हरियाणा पुलिस की जो है आपकी वैकेंसीज भाई री एडवर्टाइजमेंट होगी। आप लोग कह रहे थे ना बार बार कट ऑफ क्यों नहीं बना रहे, कट ऑफ मैं वेट कर रहा था कि क्या कुछ रहने वाला है, तो री एडवर्टाइजमेंट होने वाली है आपकी हरियाणा पुलिस की जो है भर्ती। ओके, और एक साथियों का भाई, सभी का, ग्रुप डी वालों को भी एक वो था क्वेरी कि सर हमारी कैटेगरी, अभी कमेंट भी आया वो था किसी का कि सर कैटेगरी का इशू आ रहा है ग्रुप सी में, तो ग्रुप सी का भी कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा उसके रिगार्डिंग, आप वहां से देख लेना। तो ग्रुप डी की आ गई आपको, आपको पता चल गया, और कास्ट वाला पता चल गया कैटेगरी चेंज करने का, ठीक है, ग्रुप सी के रिजल्ट में है भाई अभी ऑप्शन वो।
हरियाणा पुलिस के बारे में बता दिया, 6,000 नई वैकेंसी, मतलब जो वैकेंसी है वो री एडवर्टाइजमेंट होगी और वहाँ से ही आपका सारा काम होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप डी की, ये भी हो चुकी भाई। ग्रुप सी की 6,000 वैकेंसी है भाई, लगभग 6,000 वैकेंसी, जिसमें कुछ अलग पोस्ट भी है। MPHW की बात करेंगे, ठीक है, और क्या था आपका MPHW के अलावा, कंडक्टर की भर्ती के बारे में भी, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, फार्मेसिस्ट के बारे में भी। तो ग्रुप सी की भर्ती है भाई 6,000 मैंने आपको बता दी, टोटल न्यू वैकेंसीज निकलेंगी। TGT की, आपके जो केस के चक्कर में फंसा हुआ भाई सारा काम जितना भी है, सिर्फ और सिर्फ केस की वजह से आपका काम फंसा हुआ, बाकी सारी चीज़ें आपकी सोल्व है। 2015 HTET वाला है और स्टे है अभी, अगर ये स्टे हो सकता है कि जैसे ही इस पर नेक्स्ट सुनवाई होगी तब ये स्टे तोड़ दिया जाए, मतलब जो भी है, क्योंकि अभी बात चल रही है, मतलब तोड़वा लिया जाए तो कैसे होगा। जो TGT वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तरफ से अलग से थर्ड पार्टी बनकर केस करेंगे, ओके, और कि ऐसे ऐसे है 2015 वाला, और HSSC उनकी हेल्प करेगी, मतलब अभी तक ये है सब कुछ, HSSC उनकी हेल्प करेगी और तब जाकर ये केस आपका इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें, TGT वाला बता दिया है आपको, TGT हो गया। FSL का भाई रिवाइज रिजल्ट आने वाला है, उस पर अभी काम चल रहा है, ओके। अब आ गए भाई 20 ग्रुप की बात, 20 ग्रुप की रह गई अभी, हाँ 20 ग्रुप रह गई, और 20,000 भर्ती है, 56,000 इनका भाई एग्जाम शेड्यूल बता देता हूँ। ये जितने भी एग्जाम है ना आपके, सारे अगस्त में होंगे भाई, सारे ही अगस्त में होंगे और सितंबर में, अगस्त में होंगे और सितंबर स्टार्टिंग में, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, सितंबर के स्टार्टिंग में सारे आपके एग्जाम हो जाएंगे और 50,000 भर्तियाँ। मैं आपको फर्स्ट डे से कह रहा हूँ, देखिए कोई भी है ना जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको पता है, मार्च से कहा था मैंने ये चीज़, मार्च में बोल दी थी आपको कि ऐसा होने वाला है। बहुत सारे साथी थे भाई, कमेंट में लिखते थे नहीं इनसे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, भाई जो भी है सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इनको गालियाँ देते थे इन्हीं के लिए, और आज ये ऐसे बनकर दिखाएंगे कि आज हम पता नहीं कितने पॉजिटिव हैं कितने नहीं, लेकिन मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ और आज भी अपने उसी बात पर हूँ, ये 50,000 भर्तियाँ पूरी करेंगे, साथ में 5,000 भर्तियाँ और है ए और बी ग्रुप की, वो भी कंप्लीट करेंगे। जो मेरे साथ जुड़ा हुआ उनको पता है, जिनको नहीं विश्वास भाई उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने पहले ही बताई थी, कंडक्टर की भर्ती के बारे में भी अभी जानकारी दूंगा, ठीक है। अगस्त सेप्टेम्बर में भाई आपके सारे एग्जाम होने वाले हैं, अपनी प्रिपरेशन कर लो, ये फालतू के वीडियोज के चक्कर में मत पड़ो सीधा। अगर मैं चाहता ना इस वीडियो के 10 पार्ट बना देता, एक ग्रुप डी का बना देता, एक TGT का बना देता, 56,000 का बना देता, हरियाणा पुलिस का बना देता, ग्रुप डी के न्यू रिक्रूटमेंट का बना देता, ठीक है। कैसे होगी कैसे नहीं, इसी CET के बेस पर है भाई, जो अभी हुआ था ग्रुप डी का, उसके लिए बताऊंगा कि नए बच्चे जो है वो क्या करें, ठीक है। ग्रुप सी के लिए अलग से बना देता, ये सारे अलग अलग मुद्दे थे अगर चाहता तो, लेकिन मेरा काम है भाई एक बारी में ना जितना शॉर्ट में उसके सारा निपटा दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता चल गई। और भाई जो रिजल्ट की कह रहे थे, मैंने ग्रुप पर भी डाला था, रिजल्ट आने वाला है आपका, सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या है उसके लेट होने का, कि जो कैटेगरी वाली प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व आउट करने में लगे हुए हैं। कुछ साथियों की कैटेगरी वाली प्रॉब्लम थी कि कैटेगरी अप डाउन हो रखी थी, ठीक है। और उसके बाद भाई एक मिनट, 20 ग्रुप का भाई, 20 ग्रुप जहां तक है मैं कल भी बोल रहा था और कुछ साथी कह रहे थे नहीं सर बच ही नहीं सकता, मैंने कहा था 99% चांस है 20 ग्रुप आपके बच जाएंगे, रिव्यू पिटीशन डालेंगे, अब बाकी फाइनली बताएंगे जज साहब, ठीक है, वो तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम चांसेज है 99% की वो बच जाएंगे 20 ग्रुप आपके। मैं पहले भी कह रहा था अब भी कह रहा हूँ, 1% चांस है कि अगर ये बोल दिया जाए कि रिजल्ट ठीक वैसे है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लॉजिक सब अपने लॉजिक देंगे कि इफेक्ट नहीं पड़ रहा ये नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर अपनी ये बात पर अगर अड़ गए, ठीक है, इन बात पर अगर अड़ा गया तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर दोबारा एग्जाम होगा। सिर्फ 1% चांस कह रहा हूँ दोबारा एग्जाम के, नहीं तो सब कुछ यही रहने वाला है। और भाई स्टेनो का, स्टेनो के मैक्सिमम चांसेज है कि अगर अभी ये पहले वाला सोल्व आउट नहीं हुआ तो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी स्टेनो वालों की, ठीक है। 10,000 वैकेंसी, 2015 केस ये बता दिया, 20 ग्रुप की बता दी भाई आपको, स्टेनो का बता दिया, एग्जाम शेड्यूल आपको बता चुका हूँ। JEE का भाई मुश्किल है, JEE और 56,000 तो दोबारा होंगे, JEE का 50-50 है, 50-50 इसलिए है, वैसे मैक्सिमम चांसेज है कि दोबारा होगा, क्योंकि इनकी भाई ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई थी अभी, तो इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। हरियाणा पुलिस का मैंने बता दिया, री एडवर्टाइजमेंट 4 गुना को फाइनल उसमें बुलाया जाएगा और 7 गुना को अभी इसमें बुलाया जाएगा भाई फिजिकल के लिए, PMT PST के लिए,
ठीक है, रिजर्वेशन का अभी डिसाइड हो जाएगा भाई, कुछ टाइम लगेगा। ओके क्वालिफाई तो भूल ही जाओ, और ग्रुप वाला बता देता हूँ, ग्रुप भाई इकट्ठे होंगे। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाए, इसलिए क्या करेंगे, जैसे सिमिलर है ना जिनकी क्वालिफिकेशन, मैंने बीच में भी कहा था एक दिन कि HSSC अपनी तरफ से कर रहा है काम, और जो हमारे नए चेयरमैन है ना भाई, ऐसे बंदे हैं उनके एक हाथ से जो काम हो रहा है दूसरे हाथ को भी नहीं पता, समझ गया इस बात का मतलब। पहले जो जितनी सीक्रेट चीज़ें होती थी ना, जो सीक्रेसी रखनी होती थी, वो सारी चीज़ें बाहर पता चल जाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सारी की सारी चीज़ें जब तक काम नहीं हो जाता, HSSC चेयरमैन किसी को नहीं बताएंगे, अपना काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद पता लगेगा। वो होता है ना, सिर्फ उनका टारगेट है 50,000 भर्तियाँ कंप्लीट करना, उसके बाद भाई क्या रहेगा, रिजर्वेशन पॉलिसी का भी कंफर्म हो जाएगा, क्या कौन सी चलने वाली, HPSC या HSSC। ग्रुप सी की वैकेंसी इंक्रीज होंगी, बता चुका हूँ। फार्मेसिस्ट की भर्ती भाई आएंगी, ठीक है, लेकिन जैसे ही डिपार्टमेंट बोलेगा तब आएंगी। उसके बाद MPHW, इनका भी भाई मेल का सेम यही है, सबसे ज़्यादा क्वेरी जाती है इनकी, तो सारी की सारी मैंने आपकी सॉल्व कर दी। ये भर्तियाँ भी इसी में ऐड हो सकती है, ठीक है, अब आप लोगों के ऊपर है भाई कैसे क्या कुछ किया जाए। 50,000 भर्तियाँ कंप्लीट होंगी, 101% CET क्वालिफाई भाई बहुत रेयर चांस है, मतलब वो मानकर चलिए 0.5%, 0.5% बोलते ना जिसको, इतना चांस है अगर अभी भी कोई क्वालिफाई की सोच रहा है। मैं सारी चीज़ें साथ बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, कोई साथी ये बोले कि उसकी देख कर बता रहा है, इसका ये कर रहा है, कुछ नहीं, ठीक है, पुराने वीडियो उठा लेना, कहते हो डेट भी बता दूँ, उसी दिन से बोल रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम तो सारे नेगेटिविटी फैलाने में रेडी थे, ठीक है। अब जो आपको ये लगता है ना कि हाँ पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं और ये कर रहे हैं, नहीं, उस टाइम पर सारे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखाने में ये थे कि हाँ सरकार का इतना बुरा हाल है, वो हाल है। भाई हमें सरकार, हमेशा कहता हूँ, वोट जिसको देने हैं देते रहना, EVM से आपका कोई हाथ नहीं रोकने वाला, EVM पर वोट आपको डालनी है, ठीक है, लेकिन फालतू की चीज़ें मत करो, स्टूडेंट हो अपने काम पर ध्यान दो, सबसे ज़रूरी वो है। भर्तियाँ कंप्लीट होंगी, लगेंगे, लेकिन जो लगेंगे ना, जो नहीं लगेंगे उनका फिर भी रोना वही रहना है, ठीक है, उनका रोना फिर भी वही रहना है। एक चीज़ है भाई जो मुझे इसमें सबसे बेकार चीज़ लगी, ठीक है, मैं अपना पर्सनली राय बता रहा हूँ, मुझे जो सबसे बेकार चीज़ लगी वो बता रहा हूँ कि गड़बड़ कहाँ है इसमें। इसमें गड़बड़ ये है भाई, जो नए स्टूडेंट है जो CET में उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे या फॉर्म नहीं भर पाए थे, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, अब उनको तो ये था हर साल CET होगा, ओके, वो उस टाइम नहीं कर पाए। अब ग्रुप सी का जो फॉर्म 2022 की बात है भाई, 2021 में फॉर्म निकला था, 2022 की बात है, 22 से 23, 23 से 24, क्या उन बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए? या मान लीजिए उसी एक दिन कोई बीमार था, इन्होंने हर साल कहा था CET, ठीक है, अब क्या भाई उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ कर, ऐसे ही हरियाणा पुलिस में भाई नए बच्चों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी वो हुई थी हर साल 5,000 भर्तियों की। या तो आप अनाउंसमेंट ना करें, करें तो भाई इसी में फिलअप करवा दो ना, ऐसा सिस्टम कर दो कि उन बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। ग्रुप डी की भर्ती कह रहा हूँ मैं, ग्रुप डी की भर्ती का फॉर्म फिलअप हुआ था, अब एग्जाम हुआ है, तो क्या नए बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए? 10,000 भर्तियाँ और आ रही है, तो क्या नए बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर आप में से कोई ये चाहता है, ठीक है, अगर 30 से 40 स्टूडेंट ऐसे है, 30-40 छोड़िए, अब ये मानकर चलिए कि लगभग 100 के आसपास होने चाहिए, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि 1 से 2, 1 तारीख को या 2 तारीख को, ठीक है, किसी भी एक दिन, या तो आप में से कोई जाए, 2 या 3 स्टूडेंट, या मैक्सिमम 4 हो, 4 से ज़्यादा जाने का, देखिए वहाँ पर भीड़ दिखाने का फ़ायदा नहीं है, अभी के टाइम पर वहाँ सब कुछ अच्छे से स्मूथली काम हो रहा है, अगर आप ग्रीवियंस डालते हैं कुछ भी तो आपकी सुनी जाती है भाई, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, 3 या 4 स्टूडेंट जाएं, ओके, बाकी स्टूडेंट्स के सिग्नेचर करवा कर लेकर जाएं, साथ में उनका साथ में उनकी या तो ID हो कि हाँ जी हम सब कर रहे हैं ये ट्राई, ठीक है, और ये कहें, रिक्वेस्ट की जाए कि जो 10,000 ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है वो नए में हो, हरियाणा पुलिस में सबको मौका मिले भाई, CET में, हरियाणा पुलिस में सभी को मौका मिले। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो भाई टेलीग्राम पर मेरे पास मैसेज कर देना या कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर ऐसा होता है मैं आप लोगों के लिए अलग से ग्रुप बना दूंगा एक,
उसमें सिर्फ यही काम होगा और उसमें कोई फालतू की बकवासबाजी नहीं, हवाबाजी नहीं, सिर्फ एक काम होगा कि आप जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सके, उनके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है, जितनी चीज़ें थी बताने लायक मैंने सारी बता दी। और कोई देख लेता हूँ, अगर आपकी कोई नई क्वेरी आई है एक मिनट के अंदर देख लेता हूँ भाई, अगर कोई हुई तो मैं साथ में रिप्लाई कर दूंगा, टेलीग्राम पर चेक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय क्या था, अगर मैं वीडियोज नॉर्मली बनाता हूँ भाई कई वीडियोज बन जाएंगी, तो अपने पास ना ही इतना समय ना ही मैं चाहता कि आपका भी टाइम वेस्ट हो मेरा भी टाइम वेस्ट हो, ऐसा तो चाहिए ही नहीं। एक मिनट भाई, ये रहा भाई क्वेरीज, 2600 की लिस्ट का रिजल्ट कब आएगा? भाई 2600 का रिजल्ट आज ही आने के चांसेस है। उसके बाद थर्ड वेटिंग लिस्ट हरियाणा ग्रुप, हरियाणा ग्रुप की भाई, हरियाणा पुलिस की सॉरी, थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगी भाई जब सेकंड की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएंगी, जो अभी चल रही है। दो लिस्ट में डाल चुका हूँ, ठीक है, एक में 9 बच्चे थे, एक में 6 बच्चे थे, 10 और 6। 20 ग्रुप वाले पढ़ाई करें भाई, 20 ग्रुप वाले पढ़ाई जरूर करो। एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, चाहे ग्रुप डी के हो चाहे किसी के भी, कट ऑफ में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, जब तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं होती, फाइनल ज्वाइनिंग, ठीक है, अभी आपकी प्रोविजनल है 20 ग्रुप वालों की, तो भाई स्टडी जरूर करो, 20 ग्रुप वाले भी, ग्रुप डी में जिसका लिस्ट में नाम आ सकता है वो भी, प्रिपरेशन मत छोड़ो। मेरा मानना है जब तक आपका सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता, केस नहीं सुलटे जाते आपके, ये प्रिपरेशन मत छोड़ना, बाकी नहीं तो पछताओगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को बताना, बाकी आप जाने, आपका काम जाने, ओके। और भाई और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, इस तरह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है, इसीलिए कि ज़्यादा समय ना लगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर चैनल पर नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना भाई, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।